सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तरन्नुम ज़िया। देखिए आज एक और मैं ये रोज़ बना रही हूँ, बहुत खूबसूरत सा। ये नीचे तक हमारी ये बेल सी है। एक ये बड़ा रोज़ मैंने बनाया है, एक छोटा बनाया था। देखिए बड़ा वाला तो मैंने रेड कलर से इसको बनाया है, और ये जो बड़ा वाला गुलाब का फूल है हमारा, इसको मैं येलो कलर से बना रही हूँ। और मैं ये जो है चार धागों वाली जो वूल आती है उससे मैं इसको, इस कढ़ाई को करेंगे। देखिए इससे बहुत खूबसूरत ये बनकर आता है, और बहुत और भी ज़्यादा इस पर शाइनिंग आती है। चलिए किस तरह से बनेगा देखते हैं। ये ऊपर वाला भी मैंने इसी तरह से, ये बीच वाला हिस्सा जो होता है गुलाब के फूल का, इस तरह से स्प्रिंग वाले स्टिच से बनाया है। और अब हम इसको जो है गुलाब का फूल, ये बीच का इतना वाला हिस्सा, इसको इसी तरह से एक बार हम इधर से चारों लेंगे, एक बार इधर से, एक बार इधर से, इधर से, इसी तरह से इसको चारों तरफ से हम भर देंगे। पहले हम ये बीच का हिस्सा ही बनाना है। देखिए अभी मैं यहाँ से सुई को निकाल लेंगे, फिर ये इस वाले के पास से, यहाँ से इस सुई को इस धागे के पास सिर्फ आधा निकाल लेना है। को थोड़ा सा ढीला ही रखना होगा, वरना ये थोड़ा सुई से निकलने में परेशान करता है। देखिए अब इसको हम इस तरह से, इस धागे को इधर से खींच देंगे। और इस सुई के हिस्से को यहाँ से इससे आगे निकाल देंगे। अब देखिए हम ये सुई जो है इन दोनों के पास से पहले यहाँ से निकालेंगे। जब ये धागा यहाँ पर आ जाए, फिर हमें सुई इसके यहाँ से करीब से इधर से लेकर इस धागे के पास निकालनी है। इसी तरह से हमने इस पूरे को भर लेना है।
देखिए मैंने थोड़ा सा ये फ्लावर का ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़ कर रखा है, ये आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से भरा जाएगा। पूरा फ्लावर मैंने भर लिया है, बस ये थोड़ा सा रह गया। देखिए इस तरह से जब आप ये यहाँ पे छपाई कर लेंगे तो ये यहाँ बिल्कुल लाइन पर हम सुई निकाल लेंगे। देखिए जब हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं सुई, तो ये यहाँ से थोड़ा पीछे से जहाँ से आप जितना लंबाई पर आप ये बनाना चाहें इतनी पर ये यहाँ पर सुई निकाली एक हमने। फिर इसके पास ही हम एक और लगाएंगे बराबर में इसके, इसके बाद हम ये एक और लगाएंगे तीसरी इस तरह से एकदम बराबर हम कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से धागा पकड़ के ये इस तरह से हम इसमें फंदा से इसमें लगाते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर बनेगा। आप इसे किसी भी सूट पर, दुपट्टे पर, साड़ी पर, किसी पर भी आप बना सकते हैं। और मैंने इसमें वूल इस्तेमाल की है। देखिए अब हम ये दो सुइयां इसमें से ये निकाल देंगे जिनमें हमारा ये धागा डला हुआ नहीं है। इन दोनों सुइयों को हमने निकाल दिया। अब इसको हम इसमें से निकालेंगे, इसे यहाँ पर इस तरह से पकड़े रहेंगे। इसी तरह से आप ये पूरा फ्लावर भर लेंगे। ये सुई हमें यहाँ निकालनी होती है जहाँ पर ये धागा हम पहले निकालते हैं। देखिए इसके पास से हम फिर से ये सुई निकालेंगे। इसी तरह से फिर दो सुइयाँ और इसके बराबर में लगाएंगे। इस तरह से फिर से इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। देखिए 22 बार हमने ये फंदा इसमें लगाना है। जहाँ कहीं आपकी छोटी जगह बचती है वहाँ आप 15 बार ये फंदा लगाएंगे। ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये कितना खूबसूरत ये लग रहा है। एक छोटा फ्लावर मैंने ऊपर बनाया है कि नीचे बड़ा दिया है। अब ये इस तरह यहाँ नीचे हमें किस तरह से ये भरना होगा ये और मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए अब ये नीचे हम ग्रीन धागे से इसको मिला मिलाकर एकदम से यहाँ पर पूरे को इधर तक भर लेंगे। मिलाकर ही आपने इसको करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, इसे टाइट करके खींचना है।
देखिए पूरा मैंने भर दिया है मिला मिलाकर। अब हमें एक बार ये इधर सब मिलाकर भरना है। देखिए इस तरह आधे आधे धागों में लेकर इधर से इसको डबल कर देना है। इसी तरह से इधर से भी मिलाकर भरना है इसको। ये आधा भरने के बाद फिर ये आधा हिस्सा भी हमने इसी तरह से मिलाकर भर देना है। देखिए अब हम ये डंडी अपनी बनाएंगे इस फ्लावर की। देखिए उसके लिए आप ये इस तरह से यहाँ से ये सुई निकालेंगे जो इसकी छपाई वाली लाइन है, थोड़ा आड़ा करके ये टाका हम लेंगे, बराबर बराबर से ही निकालते जाएंगे। पूरी डंडी हमने इसकी इसी तरह से बना लेनी है। देखिए अब ये कली है हमारे इस फ्लावर की, तो कली को हम किस तरह से बनाएंगे देखिए। इसके बीच जो बीच हम यहाँ से ये धागा निकालेंगे और इस धागे से को यहाँ पर छोड़कर इस जगह से हम ये देखिए यहाँ से हम ये सुई निकालेंगे इसके पास से। सुई हम थोड़ी सी निकालेंगे ये और फिर इस पर इसी तरह से हम ये बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं लपेटना है, इस तरह से इस पर हम ये 26 बार लपेटते जाएंगे। अगर आपकी कली थोड़ी छोटी है तो आप उसमें कम बार लपेटें। क्या अभी से हम सुई से इस तरह से निकाल देंगे। और इस तरह से यहाँ पर ये अंगूठे से यहाँ पकड़े रहेंगे। इस तरह से यहाँ तक अब ये फिर हम नीचे को यहाँ से इस जगह से ये सुई निकाल देंगे। फिर से यहाँ से इसके बराबर से ये सुई निकालेंगे हम। फिर यहाँ से जहाँ से पहले हमने ये सुई निकाली थी फिर इसके बराबर से यहीं से इस सुई को इसके पास निकाल कर लाएंगे। फिर इसी तरह से हम अपने सुई पर इस धागे को लपेटेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं लपेटना है जिससे सुई से निकलने में आसानी हो, इतना हमने इसको टाइट रखना है। के फिर से इसी तरह से इसको यहाँ पर हम धागे को खींच कर इसको इस कली के पास ही लाएंगे, एकदम बराबर में ही इसके यहाँ से फिर सुई निकाल देनी है हमने। फिर से यहाँ से अब दूसरी साइड से इसके निकालेंगे सुई को।
फिर से इसके बराबर से ही यहीं से सुई को निकाल कर फिर से हम इसी तरह से लपेट कर फिर यहीं से इसको निकाल कर पूरी कली को हमने इसको भर लेना है। देखिए अब हम अपनी इस कली की डंडी को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस हिस्से को भर देंगे। किनारे से दूसरे किनारे तक हम इसको इसी तरह से भर कर लाएंगे। देखिए हमने कली का ये नीचे का डंडी का हिस्सा भी कंप्लीट कर दिया। अब देखिए जो पत्तियां जब कली खिलकर आती है और ये पत्तियां इधर आधा रह जाती हैं ग्रीन, उनको हम इसी तरह से बस ग्रीन से एक एक टांका देंगे, जो लेजी डेजी वाला टांका होता है। देखिए अब हमने इस अपनी पत्ती को कंप्लीट करना है, तो पत्ती के लिए हमने क्या करना है, देखिए ये एकदम किनारे से हम यहाँ से निकालेंगे ऊपर से, और यहाँ से फिर हम अब ये हम इस लाइन पर लेते जाएंगे जो छपाई की लाइन होगी, थोड़ा आड़ा करके हम लेंगे पत्ती के इस हिस्से को, एक बार इधर से लेंगे और एक बार हम ये इधर साइड से।
किसी तरह से आपने पत्तियां भी भर लेनी है और बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर लगेगा जब आपका ये बनकर आएगा पूरा। आप किसी भी सूट वगैरह पर इसको बनाइए। देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर आएगा, बहुत ही प्यारा सा ये लगेगा।